नमस्कार दर्शकों, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रो बुलेटिन। आज मैं मुजफ्फरनगर की लोहिया मार्केट में मौजूद हूँ। आप सभी को पता होगा 2022 में चुनाव है, रॉयल बुलेटिन विधानसभा जाकर लोगों की राय सुना रहा है आपको। इसी के चलते आज हम मुजफ्फरनगर में कुछ लोगों के साथ मौजूद, इनसे जानेंगे सरकार के कामकाज के बारे में, 2022 में जो चुनाव है कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, उनके विधायक का कार्यकाल किस तरीके से सही रहा है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर जैन है। अंकुर जी, 2022 में चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है इस बार, क्या होगा? माहौल तो सही लग रहा है जी। माहौल का क्या है, कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी? समाजवादी क्यों लग रही है? अब भाजपा ने बनाया अपना विधायक, 5 साल हो गए, आज तक तो हमने अपने विधायक जी को यहाँ देखा ही नहीं, अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में नहीं आए वो, तो बताओ। आज हमारे जो समाजवादी के नेता हैं वो बेचारे विपक्ष में बैठने के बावजूद भी हम सबका सारा कार्य करते हैं, तो इस साल तो हम अपने भाई के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं इस बार। समाजवादी पार्टी के साथ 4.5 साल योगी जी को हो गए हैं, क्या क्या कार्य किए, कुछ कर पाए नहीं कर पाए? योगी जी ने जो कराया, जो हमारे मुजफ्फरनगर में तो कुछ नहीं हुआ ना जी, हमारे विधायक ने तो कुछ नहीं करा ना। आपके विधायक ने कुछ नहीं दिया मुजफ्फरनगर? मुजफ्फरनगर की कोई ऐसी समस्या जिस पर विधायक को सोचना चाहिए था और वो नहीं पूरी हो पाई? विधायक जी की तो सारी समस्याएं विधायक की हैं जी। कुछ समस्या बताइए। क्षेत्र में आए ही नहीं वो, कभी नहीं आए, आज तक नहीं आए, पूरा 5 साल हो गए, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी हमारे क्षेत्र में। अब बताओ कैसा विधायक चाहिए आपको? अश्विनी जैन मेरा नाम है। अश्विनी जी, 4.5 साल योगी जी को प्रदेश में हो गए हैं, कितने सफल रहे हैं? सफल की तो बात बहुत दूर की है, मैं मानता हूँ कि असफलता में इन्होंने झंडे गाड़ दिए अपने। इस सरकार में जो महंगाई इस समय हो रही है, और ये मान के चलिए व्यापारी हो, किसान हो, या जिसको नौकरी चाहिए वो बेरोजगार होने की समस्या हो उसके, या ये कह लीजिए कि सरकार जितने भी काम कहने की बात करती है सिवाय बोलने के अलावा करती कुछ नहीं है, नियत इनकी एकदम जीरो है। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में अगर कोई सरकार काम करने में क्षमता रखती है और जनता जिसको पसंद कर रही है आज के समय में, मुझे लगता है वो समाजवादी सरकार होनी चाहिए। विधायक जी धरातल पर विकास कार्य करा पाए हैं, कुछ नहीं करा पाए? विधायक जी के लिए अगर आप इस तरह से सवाल करेंगे 10 में से कितने नंबर मैं उन्हें दूंगा, तो नंबर देने की बात तो दूर की है, मैं कहूँगा कि माइनस कह दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है 5 साल में मैं अपने आप तो क्षेत्र में छोड़े कभी किसी ने देखा ही नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर किसी जनता की या किसी व्यक्ति कहीं को परेशानी है तो वहाँ भी वे नज़र नहीं आए, फ़ोन करते रहिए, फ़ोन नहीं उठता उनका। आप मुजफ्फरनगर निवासी हैं, कोई ऐसी समस्या जो विधायक को मुजफ्फरनगर के ऊपर विचार करना चाहते कि हाँ मुजफ्फरनगर को इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, सवाल सिर्फ मुजफ्फरनगर का नहीं है, अगर आप मुजफ्फरनगर का पूछेंगे मैं कहूँगा यूपी हो या मुजफ्फरनगर हो, समस्या एक ही है इस समय जनता की, वो महंगाई से त्रस्त है, वो नौकरी के ना होने से त्रस्त है, वो किसानों की जो समस्या है वो अब एक आम समस्या हो चुकी है, हर आदमी उससे वाकिफ हो चुका है। और मैं ये कहूँगा कि अगर महंगाई पे जल्दी ही लगाम नहीं लगाया गया, और मुझे लगता है कि एक दो महीना लग गया, लगाम लगेगा भी नहीं, लगना होता कब का लग जाता, उस पर कोई कार्य कोई नीति सोच ये बना नहीं रहे हैं अपनी, मुझे लगता है कि लगातार इस तरह की महंगाई बढ़ने से जनता इस बार इनको सबक सिखाएगी और इस बार समाजवादी पार्टी के हक में वोट करेगी। विधायक जी को भी सबक सिखा देगी जनता इस बार? मैंने बताया ना आपसे इस बार विधायक हो या कोई भी उनका और कोई क्षेत्र में कहीं भी किसी भी सीट पर कोई भी उनका व्यक्ति हो, मुझे लगता है जनता इस बार बहुत नाराज है, और नाराजगी उनकी जिस समय इस बार वोट डालने के लिए जाएंगे अपनी नाराजगी वोट के जरिए दिखाएंगे। जनता त्रस्त है या नहीं है? हाँ त्रस्त है। कैसे त्रस्त है? एक तो बेरोजगारी है, बाजारों में काम नहीं है, बहुत डाउन है, सब चीज़ पे रेट बढ़े हुए हैं, और माल जो घाक है उस रेट पे माल नहीं, भाई उस रेट में माल भी नहीं हमारा बिक रहा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या कारण है। तो कौन सी सरकार दिक्कत दूर कर पाएगी? भाई इस बात समाजवादी की सरकार होनी चाहिए। 4.5 साल में योगी जी से खुश नहीं है आप बिल्कुल भी? वाली बात नहीं है जो होनी चाहिए, जितनी उम्मीद से वोट दिया था, जितनी उम्मीद से मतलब कि वो था, वाली बात नहीं है। विधायक जी का कैसा रहा सब कुछ? विधायक जी तो कभी यहाँ आए भी लोहिया बाजार के अंदर हमारे, आज तक कभी आगे देखा भी नहीं उन्होंने, एक अधिक बार कि भाई क्या स्थिति है बाजार की, क्या स्थिति नहीं है। कोई ऐसी समस्या जिस पर विधायक को विचार करना चाहिए था? ये तो गंदगी देख लो आप बाजार के अंदर कितनी गंदगी है, अगर कूड़ा उठाने वाले को भी कुछ कहते हैं तो वो भी जो है कि आगे की भाई वो भी मांगता है। जनता त्रस्त है, कितनी सच्चाई है इस बात में? हाँ नहीं, त्रस्त तो है। आप किस तरीके से त्रस्त है? बस त्रस्त इसलिए है जी, मान लो नगर पालिका में गए वहाँ कोई काम नहीं होता, 10-10 चक्कर काटते रहो, कोई विधायक नहीं सुन रहा, कोई आदमी नहीं सुन रहा, सफाई कर्मचारी तो सुनता ही नहीं, कि नाली पे अगर झाड़ू मारने को कह दो कबाड़ा नहीं निकालने का,
आम आदमी को क्या चाहिए भाई, सुकून की नींद, सफाई, और उसे कुछ पैसे तो चाहिए ही नहीं कि भाई हमें ला के दे दे पैसे, अपना कमारे खा रहे भाई। हाँ, बाजारों में काम नहीं, रोजी रोटी अपना जुटा रहे मेरे भाई, मेहनत मजदूरी करके और अपना खा रहे, बस यो काम चल रहा। कोई सहूलियत तो हम लोगों को है नहीं। सरकार से क्या नाराजगी है? नहीं, हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं, हमें तो ये चाहिए कि भाई एक काम सही हो, जो वासिंदे बैठे हुए हैं वो टाइम पर पब्लिक का काम करें, बस। हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं, ना हमारा किसी ने कुछ छीनना, ना हमें कोई पकड़ाने का कुछ। लेकिन हमारे लिए तो जो आजकल का युवा है वो हमारे काम आ सकता है, जो हमारी बात को सुने। हाँ, विधायक जी का कैसा रहा सब कुछ? भाई विधायक जी की शक्ल तो हमने नहीं देखी कभी आज तक। नाम पता है? बस नाम तो मेरा ख्याल पता नहीं क्या है, कपिल देव है शायद। हाँ, वो कैसे जानते हैं? कभी कभी पोस्टर में देखा है या रियल में देखा है कभी? हाँ, रियल में भी देखा है, मान लो किसी समारोह में गए तो वहाँ शक्ल देख ली। विकास कार्य में कैसे हैं? विकास तो आपके सामने है जी, अगर कहीं कोई कबाड़ा पड़ा वो नहीं उठाने वाला, सड़क में गड्ढा हो गया वो उठाने वाला नहीं, पोल टूट गया वो ठीक नहीं होने का भाई। तो कह रहे हैं गड्ढा मुक्त प्रदेश बन गया है भज्जी, जो तो सड़कों पे जब घूमा जाएगा जब पता चलेगा जी, अगर किसी के पेट में बच्चा है मेरा ख्याल तो साबुत घर नहीं पहुंचने का। हाँ, कितने गड्ढे हो चुके हैं? हाँ, नाम बंटी है, बंटी। कैसा चल रहा है सब कुछ? ठीक चल रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है सरकार? समस्या तो सरकार की, कोई सी सरकार जाओ समस्या कोई जनता का पूरा नहीं पाड़ सकता। अब व्यापारी का तो आज तक किसी ने सरकार ने पूरा पाड़ा ही नहीं, कोई सी सरकार आ जाओ व्यापारी को तो हर तरह से नुकसान है, कोई सी सरकार आ जाओ व्यापारी के बारे में कोई नहीं सोचता। अभी मैं कुछ व्यापारियों में भी शो करके आया था, तो व्यापारी कह रहे हैं कि सरकार ने ज्यादा त्रस्त कर दिया जीएसटी लगा लगा कर। जीएसटी की कोई दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत है जीएसटी की, कोई दिक्कत नहीं है, तो जैसा आ रहा वैसा बिक रहा भाई साहब। एक तो सबको एक साथ लेकर चला, माल अगर नंबर एक का है तो फैक्ट्री से ही नंबर एक पर सबके लिए निकलना चाहिए, यूँ नहीं किसी के लिए बिना टैक्स का निकल रहा किसी के लिए निकल रहा। जीएसटी से 100% कर दो तब भी दुकानदार फर्क नहीं पड़ता। सरकार कैसी रही आपके अनुसार? सरकार ठीक है, सरकार से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। विधायक जी? विधायक जी पता नहीं कौन है, विधायक जी शक्ल दिखाते ही नहीं, विधायक जी नहीं आते कभी, नहीं। विधायक जी कभी 13वीं में चले जाओ और वैसे फंक्शन में जाओ तो वो तो बहुत मिलते हैं, हर फंक्शन में मिलेंगे, हर 13वीं में मिलेंगे, लेकिन वैसा नहीं बाजार में जाने जाएंगे। विकास कार्य, कुछ विकास कार्य के मामले में अपने विधायक जी को कितना नंबर देना चाहेंगे आप? भाई विधायक जी को करने वाले करवाने वाले तो ऊपर वाले हैं, योगी जी करवा रहे, जो भी करवा रहे विकास विकास करवा रहे, विधायक जी क्या करवा रहे? विधायक जी ने मुझे कुछ दिया है नहीं दिया विधायक बनने के बाद? मेरे हिसाब से विधायक जी ने कुछ दिया नहीं, मुझे फरना करवा क्या देना चाहिए था विधायक जी को? भाई यही जनता को सुरक्षा सफाई वगैरह, और मुद्दा जनता का यही तो है, एक कम से कम एक कानून एक ऐसा बनना चाहिए व्यापारी के लिए, जो है अगर कोई मरता है तो जैसे सबको रुपया पैसा मिलता है मुआवजा वगैरह, इस व्यापारी होना चाहिए। ये नहीं कि ये लोग क्या करते हैं, हम लोगों के टैक्स के पैसे से ही अपने सारे पेट भर रहे कि तुझे फ्री देंगे, तुझे फ्री देंगे, कोई अखिलेश जी कह रहा हम लैपटॉप देंगे, मोदी वो बेटा तुम्हारा कह रहा है केजरीवाल कह रहा है कि पानी फ्री दूंगा बिजली दो, ये उनके बाप का माल है तो फ्री देंगे, माल तो गवर्नमेंट इनका है, हम लोगों का है, व्यापारियों का माल है, सब माल को लुटाने लग रहे देश। 2022 का क्या माहौल लग रहा है? 2022 का माहौल बता देगा, तय हो जाएगा 2022 का माहौल, बीजेपी आएगी नहीं आएगी दोबारा? देखो जी पब्लिक के ऊपर डिपेंड है, तो भाई साहब पब्लिक के ऊपर। कितनी उम्र हो गई आप? मेरी उम्र 55 साल हो ली। 55 साल में हमने अनेकों सरकार देखी, बसपा, कांग्रेस, सपा, बीजेपी, कौन सी बेहतर रही है अब तक? तो सबसे बेटर है ये, सबसे बेटर रही है मेरे हिसाब से, बेटर है। क्या नाम है आपका? दीपेश। दीपेश जी क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का? अब की बार तो माहौल तो साफ है बिल्कुल कि समाजवादी पार्टी आएगी अब की बार, जिस हिसाब से हाँ वो कार्य चल रहा है। क्यों आ रही है? आना भी चाहिए क्योंकि काम नहीं हो रहा है, कुछ कुछ काम नहीं हो रहा है, जिस हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो हम तो ये चाहते हैं कि अपना समाजवादी पार्टी है थोड़ा चेंज आए। पिछली बार समाजवादी पार्टी थी जी तो कैसे काम होते थे? काम अच्छे होते थे, व्यापारी खुश था। अब नहीं है कुछ? नहीं बिल्कुल, खाली बैठे हैं सुबह से, अब से नहीं सालों से ये हाल है, ये स्थिति है। तो 4.5 साल हो गए, 4.5 से ही हाल है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत स्थिति खराब है, इससे पहले स्थिति ठीक थी, अब की बार स्थिति बहुत खराब है, व्यापारी तो बिल्कुल स्थिति बहुत खराब है, जो भाइयों ने बताया अभी सारी बात। विधायक जी के क्या हाल चाल है? विधायक जी को वही जो भाइयों ने बताया कि हमने शक्ल नहीं देखी आज तक 4.5 साल में, वही मिलते हैं नाम वाम तो पता ही रहता है, खैर पर कभी आज तक हमने नहीं देखा उनको यहाँ पे आए हुए, कभी विकास कार्य कराए हैं नहीं कराए? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं करवाया। मेरा पवन कुमार है जी। पवन जी कैसा चल रहा है सब कुछ व्यापार वगैरह? मंदा ही चल रहा है व्यापार तो, मंदा है, बहुत मंदा है। पहले भी मंदी आई है कभी इतनी है, इस बार मंदी आई? नहीं पहले इतनी मंदी नहीं थी जितनी अब मंदी है। सरकार कैसी रही? बज मजा नहीं आ रहा, कतई मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा ना, जितनी उम्मीद से वोट दिया था। हाँ मजा नहीं आया, मजा नहीं आया,
क्या मजा चाहिए था? यही के काम धंधे चले, बिजनेस चले, खर्चे अच्छे हो, महंगाई कम हो, कुछ नहीं हुआ। तो कौन सी सरकार मजा दिला पाएगी? बजी अब तो दूसरी देखेंगे, कोई दूसरी देखेंगे। हाँ उगे इससे। हाँ उगे। अब तो लग रहा होगा बस चुनाव जल्दी से आ जाए और तुरंत बस 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 हमें राहत मिले। तो अभी बताओ, 2 महीने बाद चुनाव है, क्या लग रहा है? 2-3 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं। बजी कभी आ जाओ चुनाव, 2 महीने में हो, 2.5 में हो, अब तो हम चेंज ही होंगे, चेंज ही करके देंगे वोट। कहाँ जाएंगे चेंज करके? बस वो देंगे, ये तो बेकार है, ना कबाओ, आपको भी पता हमें भी पता, अब हम दूसरी सरकार में जाएंगे। कांग्रेस, बसपा, सपा? सपा में ही जाएंगे। या भाजपा? सपा में। सपा में जाएंगे। हाँ 2000 उसे अभी से पहले सपा की सरकार थी। हाँ जब अच्छा था, रोजगार वोजगार था उस टाइम। हाँ हाँ काफी रोजगार था, सारा काम ठीक था। सरकार तो कह रही थी गुंडा राज था उसमें। ये तो हुआ ही करे, तो थोड़ा बहुत हुआ करे हर गवर्नमेंट में। अब नहीं होता? नहीं अब भी है। अब भी है? हाँ। तो की बार सपा सरकार। योगेश, योगेश जी 2022 में चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? देखो ये तो समय बताएगा कि होगा क्या, लेकिन ये है कि महंगाई एक तो सरकार के राज में बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात है काम धंधा नहीं है, व्यापारी बहुत परेशान है। कितने टाइम से व्यापार कर रहे हैं? मुझे व्यापार करते हुए हो गए तकरीबन कोई 28-30 साल। 30 साल में जितना आप जो बता रहे हैं अभी रोजगार नहीं है, ऐसी समस्या कभी और भी आई आपके सामने? पहले तो ऐसा फेस कभी नहीं करा हमने, लेकिन इस टाइम तो हमने ज़्यादा फेस करा। ज़्यादा फेस करा। नोटबंदी में काफ़ी नुकसान हुआ हमारा, लॉकडाउन में काफ़ी नुकसान हुआ हमारा, ज़्यादा फेस करा हमने। तो सरकार बदलनी है क्या इस बार? ये तो समय बताएगा कि क्या होगा सरकार के बारे में। इतनी मंदी आपके समय में कभी नहीं आई। बस इस टाइम परेशान है व्यापारी, परेशान है, परेशान है इस टाइम व्यापारी, परेशान। तो जब इंसान परेशान होता है तो जगह बदलता है, सरकार बदलता है। हाँ देखो क्या होता है, लेकिन व्यापारी परेशान है इस टाइम, परेशान है इस टाइम। तो बदल देंगे इस बार देखो। हाँ क्या नाम है आपका? राजकुमार गर्ग। राजकुमार जी कैसे चल रहा है सब कुछ काम धंधा? खत्म है, जीरो जीरो काम खत्म है। कितने ग्राहक आए सुबह से? आज आए होंगे 5-4 बस। तो ये कब से चल रहा है इतनी मंदी? महीनों से चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा। तो 2022 में क्या लग रहा है इस बार? 2022 में बस सरकार बीजे उसकी आएगी साकिल मुलायम की, अगले जी गोलानो सरकार खरीद नहीं उतर पाई उम्मीदों पर। बेकार घटिया किस्म, एक पैसे की सरकार नहीं। बिजली के बिल आ रहे हैं 11,500 रुपये के, जहाँ 600 का बिल आ वहाँ 1,150 का बिल आ रहे हैं। पिछली बार अखिलेश यादव की सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है, आपने कांग्रेस की भी सरकार देखी होगी, आपने बसपा की सरकार देखी, कौन सी बेहतर रही है? बोला अखिलेश जी की कैसे बेहतर रही है? बहुत बढ़िया है, उनका मानदा है, काम का मानदा है, व्यापारी लोग बढ़िया रहे, काम धंधा खूब चला अखिलेश की सरकार में। बीजेपी सरकार में बिल्कुल खत्म है, काम जीरो है, सब जीरो है काम, बिल्कुल काम जीरो है। विधायक जी के क्या हालचाल है? कौन से विधायक जी के? मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट से विधायक हैं कपिल देव अग्रवाल, नाम सुना है आपने? हाँ जी हाँ, कपिल देव अग्रवाल। कुछ नहीं है जी, बेकार हैं, जीरो हैं। वो भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए? बिल्कुल नहीं, खराब समय, बड़ा समय खराब कैंडिडेट हैं। जिताया भी तो आप लोगों ने होगा? हमने जिताया, गलती हुई, अब गलती सुधारेंगे हम। अब गलती सुधारेंगे? हाँ जी। कोई ऐसी समस्या आपको, 30-35 साल मुजफ्फरनगर में भी हो गए होंगे रहते हुए, बचपन से यहीं बिताया होगा, कि विधायक को उस समस्या पर विचार करना चाहिए था जो नहीं हो पाई, ऐसी समस्या बताइए कोई। भाई ये नहीं पता जी मुझे। क्या नाम है आपका? अजय कुमार जैन। अजय जी क्या माहौल चल रहा है इस टाइम चुनाव का? चुनाव का माहौल तो बढ़ गया है। क्या लग रहा है कौन आएगा इस बार? नहीं हमारे लगने से क्या होता है, तो हर आदमी तरह से अब जरा सी बात को ले लो कि हाउस टैक्स और वाटर टैक्स, जिस मकान का 500 रुपये था उस मकान का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स 4,000 रुपये बना के भेज दिया, तो ये क्या है? गुंडागर्दी है, भ्रष्टाचार है, क्या चीज है? ऐसा होता है कहीं? जिस मकान के ऊपर 10 साल से भी कोई नई कंस्ट्रक्शन ना हुई हो और 500 रुपये उसका हाउस टैक्स और वाटर टैक्स, और वो 4,000 रुपये बना के भेज दिया जाए अपने आप, ये क्या है? बिजली के बिल वही वहीं के वहीं बढ़े हुए हैं, सब काम खत्म है, महंगाई आसमान को छू रही है, ये है सब। आपने बहुत सरकारें देखी होंगी, अखिलेश यादव की, मायावती जी की, कांग्रेस की, बीजेपी भी देख ली है,
कौन सी सरकार बेहतर कार्य कर पाई है? नहीं, बेहतर कार्य का तो ये है कि जिसमें पब्लिक तरस ना हो वही बेहतर है। इतनी महंगाई तो आज तक नहीं हुई। इतनी महंगाई नहीं देखी आपने? नहीं नहीं, जितनी अब के हुई है, हाँ, इस सरकार में हुई। इस सरकार में हुई। विधायक जी कैसे रहे हैं? विधायक जी जिस समय विधायक की वोट मांगने आए थे जब तो आए, उसके बाद तो हमने देखा नहीं उन्हें यहाँ। साढ़े चार साल में कभी नहीं आए? साढ़े चार साल में एक दिन भी नहीं आए कि कौन कैसा है, तरस है, क्या है, क्या किसकी समस्या है, कोई दौरा उनका नहीं है। तो विधायक भी बदल जाएंगे? नहीं बदल जाएंगे इस बार? बदलने चाहिए, बदलने चाहिए। मौका दिया था विधायक को? बिल्कुल दिया था। बड़ी उम्मीदों से? बहुत उम्मीद के साथ। खड़े नहीं उतर पाई ना सरकार ना विधायक? जब साढ़े चार साल में एक दिन भी आदमी नहीं आने का तो मुझे बताओ क्या होगा। तो क्या लगता है किसकी सरकार आएगी आपके अनुसार, कौन सी बेहतर है आप लोगों के लिए? आपके इन्हें अजमा लिया, आपके अखिलेश जी को अजमा लेंगे। अखिलेश जी को पिछली बार भी अखिलेश जी को अजमाया था? पिछली बार कब अजमाया? पिछली बार तो उससे पहले थी अखिलेश जी। उससे पहले? हाँ, जब उन्होंने बहुत काम करे, बेहतर काम करे, इतनी महंगाई नहीं आई, इनसे बेहतर रहे। मैं आपका फजल है भाई। फजल है जी, साढ़े चार साल योगी जी को हो गए प्रदेश में, कितने सफल रहे? ऐसा है, सफल तो यह है कि जब से कभी लॉकडाउन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ना कारोबार है ना कुछ है, जो सामान है कभी पैसे इतनी महंगाई बढ़ गई, इतनी महंगाई बढ़ गई कि जान बचानी भारी हो रही। अब जो सामान बिंकी ना, जब ना दवाई है ना बिंकी, जब दवाई है सामान ना हो जब अच्छा, ना ना हो जब अच्छा। हम तो दुकान हो गए, हम व्यापारी आदमी हैं, हम कर तो क्या करें, इसे बच्चे सामान मांगे खाने को कहाँ से लाओगे, हमारे यहाँ आमदनी होने की, दुकानदारी नहीं होने की तो क्या होगा। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी अभी? बिता तो मेरी बेटी 70 के लगभग है। 70 साल की आपकी उम्र हो गई है। जिस तरीके का भी माहौल चल रहा है, महंगाई का, बेरोजगारी का, जो आप बता रहे हैं आप लोग, इतना माहौल जो अब चल रहा है, आपने कभी देखा है 70 साल की उम्र में ऐसा माहौल? कभी नहीं देखा। खुशहाली देखी, बड़ी हम देखा, चैन सुकून देखा, हनुमान देखा, आ रहे जा रहे खाली। तो उसके अंदर हालत है कि इधर घर बच्चे सामान मांगते हैं कहाँ से लाएं, दुकानदारी होगी, इधर महंगाई बढ़ी, सब बढ़ी, अंदाजा लगाना मुश्किल है कहाँ से कैसे साफ बने। तो क्या लग रहा है फिर क्या होगा इस बार? अल्लाह बेहतर जानते क्या होगा, हम नहीं परेशान हैं, हम नहीं जानते क्या होता है, कहीं हम तो नहीं जाने कि हमें तो सुकून मिलना चाहिए, सुकून को भी देते हैं, भाजपा देते हैं, कुछ मामला सही होना चाहिए। तो साढ़े चार साल तो दे दिया मौका, तो कहाँ सुकून मिल पाएगा? बेहतर जानते हैं क्या होगा क्या नहीं। मोहम्मद शादाब। शादाब, क्या करते हैं आप? मेरा जो है SSS टनल्स का काम है। कैसा चल रहा है काम धंधा सरकार में? काम धंधा ठीक है, एवरेज है, लेकिन लोग परेशान हैं। कैसे परेशान है? ये है कि जो बड़े लेवल के बिजनेस है, जे छोटा व्यापारी को व्यापार नहीं चल पा रहा है, बड़ा व्यापारी आसमान छू रहा है। और जो तो आप भी देख रहे होंगे, जो बड़ी मीडिया है, बड़ी मीडिया तो दिखाएगी नहीं, आप लोगों द्वारा आवाज़ पहुंचानी पड़ती है। सरकार दो आदमियों के बीच रह गई है, दो गुजरातियों के बीच रह गई है, सिर्फ और सिर्फ इन दो बीच के अटक के रह गई है सरकार, बाकी छोटे व्यापारी पर कोई ध्यान नहीं है। सरकार जो कुछ बेच रही है वो उन दो आदमियों के लिए बेच रही है, आपको भी इस चीज़ का पता होगा, आपकी भी नॉलेज में ये चीज़ होगी। 2022 में चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो ये है कि आपको बताया जाए कि यहाँ मुद्दे जो है वो कारोबार के होने चाहिए, और मुद्दे जो हैं आपस में भाईचारे के होने चाहिए, लेकिन यहाँ मुद्दा कुछ और हो रहा है। यहाँ कोई पार्टी जो है वो आप जानते होंगे, बस मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो मुद्दा सिर्फ और मंदिर मस्जिद सिर्फ इन चीज़ों में अटका के रखना चाहती है, बाकी जो काम के मुद्दे हैं, हमारे यहाँ डेवलपमेंट की बात की जाए और हमारे यहाँ बिजनेस की बात की जाए, उद्योग की बात की जाए, लघु उद्योग की बात की जाए, उसमें सरकार का कोई ध्यान नहीं। सरकार बेहतर रहेगी आपके अनुसार? बेहतर सरकारें तो यह है कि अगर देखा जाए जो आपस में जोड़ पैदा करने वाली सरकार हो, BJP, बसपा, सपा, कांग्रेस, जो भी जोड़ने का काम करेगी वही सरकार बेहतर रहेगी हमारी। BJP को आप देख चुके हैं, कांग्रेस भी आपने कभी देखी होगी, बसपा भी आपने कभी देखी होगी, सपा भी आपने कभी देखी होगी, कौन सी कारगर रही है इसमें? ज़्यादा बेहतर जो है मेरे हिसाब से सपा रहेगी, क्योंकि सपा कहीं ना कहीं एकता की बात करती है, हिंदू मुस्लिम को जोड़ने की बात करती है,
और कहीं ना कहीं हमारे जो जैसे छोटा स्मॉल टाउन है इसमें लघु उद्योग छोटे उद्योग पर भी काम करना चाहती है, जो पिछले कार्यकाल में हमने देखा भी। विधायक जी कैसे रहे? विधायक जी का कार्यकाल ये रहा कि वो जो आपको ही पता है हमारा जो कुछ क्षेत्र हैं उनके क्षेत्रों में आते हैं, वो क्षेत्रों के हिसाब से आते हैं। क्षेत्र ये नहीं कि भाई जो एक समुदाय दूसरा हो गया तो वहाँ आपकी जो 5% की उपस्थिति है और दूसरा समुदाय हो गया वहाँ आप अपना 100% दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बांटने वाली बात है। जैसे कि आप मुस्लिम हैं, ओवैसी भी उत्तर प्रदेश चुनाव के मैदान में आ रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? ओवैसी जी तो मैं ये समझता हूँ अभी ओवैसी जी तो बी टीम का काम कर रहे हैं, ओवैसी जी तो भाजपा का काम कर रहे हैं। कैसे वो आप लोग भी देख रहे हैं ध्रुवीकरण, उधर वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, उधर भाजपा के नेता ध्रुवीकरण कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ साथ उसका देंगे जो जोड़ की बात करेगा, एकता की बात करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा, हम सिर्फ और सिर्फ उसका साथ देंगे। ओवैसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा चुनाव में? ओवैसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग समझ चुके हैं, लोग समझदार है, वोटर समझदार है, आज की तारीख में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है, उनकी क्या जुगलबंदी अंदर खाने चल रही है, सब पता है। वो भी ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो ये चल रहा है। नाम आपका? आशीष जैन। आशीष जी, युवा हैं, नौकरी मिल रही है नहीं मिल रही? कोई नौकरी वोकरी नहीं मिल रही, सब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे जितने भी मित्र हैं यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, कोई दिल्ली, कोई गुड़गांव, कोई जो है मुंबई, किसी को कोई नौकरी इस उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रही, सब बहुत ज़्यादा त्रास हैं इस सड़ी हुई सरकार से। सड़ी हुई क्यों है? सड़ी हुई इसलिए है कि किसी का कोई काम नहीं हो रहा, अगर हमें किसी अधिकारी को कोई फ़ोन करे वो हमारा कोई जो है काम नहीं करता, सब एक अलग अलग तरीके की टशनबाजी सब में बहुत ज़्यादा। फ़ोन करो कि हाँ जी हो जाएगा, तो इस तरीके से कोई काम नहीं हो। अगर आदमी प्यार से भी हमारे से बात करे, काम 4 दिन की हो जाए, 6 दिन में हो जाए, उससे दिक्कत नहीं आती, लेकिन वो जो तरीका है बात करने का वो बहुत ज़्यादा तानाशाह है। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? समाजवादी पार्टी का माहौल है और कोई माहौल नहीं है यहाँ। क्यों समाजवादी पार्टी का क्यों है? समाजवादी पार्टी का इसलिए है क्योंकि अब से 5 साल पहले जो थोड़ा बहुत हमारे अंदर एक हल्का फुल्का नेगेटिविटी कह लो या बीजेपी का एक मतलब लहर कह लो, वो जो आई थी वो बिल्कुल इस सरकार ने ख़त्म कर दी। विधायक जी कैसे हैं? हम जानते ही नहीं किसी को। विधायक जी का नाम नहीं पता आपको अपने क्षेत्र के? हम जान के करेंगे क्या जब कोई जो है काम नहीं हुआ हमारा? मैं आपसे नाम बता के जो है करूँगा क्या? आप मुजफ्फरनगर निवासी हैं, ऐसी कौन सी समस्या है जिस पर विधायक को ध्यान देना चाहिए था? सड़कों का गड्ढे हैं सड़कों में, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। अब से ये तुम्हारा ये जो सूजड़ू चुंगी की जो साइड है और ये तुम्हारा चंद्र टागेज वाली साइड है, कई कई साल तक टूटी जो है पड़ी रही, अब जाके सड़क बनी है। तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि जी इलेक्शन के टाइम पे वो होगी सड़क बनेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो विधायक जी रहेंगे नहीं रहेंगे इस बार? कोई चीज़ नहीं रहने की, सब चीज़ जो है साफ हो जाएगी, जो भी कैंडिडेट समाजवादी से खड़ा होगा वही कैंडिडेट जीतेगा। मोहम्मद आसिफ कैसा चल रहा है काम धंधा सब? ठीक है, सही है, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। 2022 में चुनाव में क्या लग रहा है इस बार? अभी तो देखो क्या होता है। 2000 कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार आएगी। क्यों आएगी अखिलेश की सरकार? अब देख लीजिए, कारोबार भी डाउन है, हर चीज़ डाउन है, हर जगह महंगाई है, सब जगह महंगाई चल रही है। सब जगह महंगाई चल रही है। विधायक जी के क्या हालचाल है? विधायक जी तो हमने यहाँ दिखाई नहीं दी अभी तक। नाम पता है? कपिल देव अग्रवाल। कभी आते हैं क्षेत्र में? नहीं आते। हाँ आते हैं वो यहाँ पे। जैसे कि आप युवा हैं, नौकरियाँ मिल रही हैं नहीं मिल रही युवाओं को? नौकरी तो कोई नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है? नौकरी के लिए धक्के खाते फिर रहे हैं, जो एजुकेटेड हैं वो भी धक्के खा रहे हैं नौकरी के लिए। नाम है आपका? हरिमोहन मित्तल। हरिमोहन जी, कैसा काम धंधा चल रहा है? काम धंधा तो बस बैठे अपना गुजर कर रहे जैसे भी हो रही। मज़ा नहीं आ रहा काम? मज़ा नहीं आ रहा। कब मज़ा आएगा? मज़ा आएगा जब हमारी सपा की सरकार आएगी। इसमें क्यों मज़ा नहीं आ रहा? पता नहीं, बस मंदा हो रहा काम, महंगाई का दौर है, काम भी नहीं हो रहा, रोजगार भी नहीं, बस रोजगार ख़त्म है। विधायक जी के क्या हालचाल है? हाँ जी, विधायक जी के क्या हालचाल है? विधायक जी के हालचाल भी ऐसे होगा कुछ नहीं, काम समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। तो 3 महीने आ रहे हैं चुनाव में, 3-4 महीने बस, वो एक तरफा पड़े सब काम, जीते पड़े। 3-4 महीने में काम खत्म हो जाएगा? सब खत्म। फिर नई शुरुआत होगी? नई शुरुआत होगी। किसके साथ होगी शुरुआत? नहीं, हमारी सपा पार्टी के अंदर होगी शुरुआत। क्या नाम है आपका? अब्दुल कलाम नाम है मेरा। अब्दुल कलाम तो बड़ा प्यारा नाम है जी। अब्दुल कलाम से प्रेरित होकर रखा था क्या? नहीं, मेरा तो हाँ यही कह लो आप, उनसे प्रेरित होकर रखा गया था। जी हाँ। क्या माहौल लग रहा है 2022 में चुनाव में इस बार? भैया माहौल तो सपा की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि बीजेपी के
की सरकार में जितनी परेशानी व्यापारी को, किसानों को, आम आदमी को उठानी पड़ी है, इतनी कभी नहीं हुई। रोजगार के ये हालात हैं कि दुकानें बंद होने के कागार पे हैं, व्यापार बिल्कुल खत्म है, जीरो है। व्यापार जीरो है? जीरो है बिल्कुल। पिछली बार अखिलेश यादव की सरकार थी, कैसा माहौल था उस टाइम? बेस्ट, बढ़िया था, बहुत बढ़िया। रोजगार भी था, सब कुछ था, महंगाई थी इतनी? काम उस टाइम पे तो कुछ भी महंगाई नहीं थी जितनी अब है। अब तो एक आम आदमी 300-400 रुपए कमाता है, उसमें मान लो वो हमारे पास एक तसला लेने के लिए आ गया, 200 का उसने तसला ले लिया, घर क्या लेके जाएगा वो बच्चों के लिए। अच्छा आप मुझे बताइए, जैसे मैं अभी देख रहा था यहाँ पे मस्जिद भी है जी। इधर आपकी दुकान मुसलमान है, आप उधर हिंदू की दुकान, उधर हिंदू है। अब जैसे कि ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पिछली वाली सरकार गुंडों की सरकार थी, कितनी सच्चाई है इस वाली बात? सच्चाई है कि बीजेपी की सरकार ही गुंडों की सरकार है। ये हमारे मुकेश कुमार जी हैं बराबर में, ये इधर भी हैं गर्ग साहब, किसी को कोई आपत्ति नहीं, सब प्यार से रहते हैं और हमेशा रहते आए। विधायक जी के क्या हालचाल हैं आपके? विधायक जी ने तो आज तक शक्ल भी नहीं दिखलाई। जानते हैं नहीं जानते? हाँ जानते हैं, क्यों नहीं जानते? विधायक जी कपिल देव अग्रवाल। कपिल देव अग्रवाल कभी नहीं आते क्षेत्र में? आज तक शक्ल भी नहीं देखी उनकी। शक्ल नहीं देखी तो विधायक भी बदल देंगे इस बार? सब कुछ बदला जाएगा, बदलाव आएगा बिल्कुल 100%। कुमार गर्ग, राकेश जी क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल इस टाइम लगा है समाजवादी पार्टी का। क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के राज में निष्पक्ष सारे काम होते थे बढ़िया, अब नहीं हो रही है इतने जितने होने चाहिए थे। समाजवादी पार्टी सबसे बेस्ट पार्टी है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव के राज में बढ़िया काम होते थे, अब नहीं होते, अब नहीं हो रहे इतने बढ़िया। क्या समस्या है? समस्या यह है कि एक तो महंगाई हो गई और दूसरी बेरोजगार हो, रोजगार से बेरोजगार हो गए। व्यापारी को कैसे चल रहा है? व्यापार बिल्कुल मंदा है जी। अब आप मुझे बताइए, हाँ जी, ये दुकान को आपको कितने साल हो गए? इस दुकान को 25-30 साल हो गए। 25-30 साल हो गए। बराबर में मस्जिद है आपके, हाँ जी। यहाँ पे कुछ मुस्लिमों की भी दुकान है, कैसे हिंदुओं की भी दुकान है, कैसा माहौल रहा है? जो सरकार कहती है कि सांप्रदायिकता करती है, कितनी सच्चाई है इस वाली बात में? कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी का राज बहुत बेस्ट राज रहा। तो गुंडों की सरकार कहते हैं बीजेपी वाले? तो बीजेपी वाले कुछ भी कहो, लेकिन समाजवादी पार्टी बेस्ट सरकार है। अच्छा जैसे मार्केट में बैठते हैं, आपको लगता है हिंदू मुस्लिम वाली कुछ बात है जिसकी वजह से जिला बदनाम है हमारा? नहीं जी कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स होती है, फिर राजनीति है, राजनीतिक होती है। विधायक जी के क्या हालचाल है? विधायक जी के ठीक है हालचाल। कुछ कराते हैं नहीं कराते? बस ऐसे ही है जी काम धाम, मजा नहीं है? मजा नहीं है। तो जिताया तो आपने लोगों ने होगा? अजी जी एक बात तो बताओ भाई साहब, गलती हो जाती है उसे सुधारता भी तो आदमी है। सुधारेंगे इस बार? इस बार सुधारेंगे। अखिलेश यादव बुला के? अखिलेश यादव जी को बुला के। सही रहेगी सपा की सरकार? सही रहेगी जी। अखिलेश जी आएंगे? अखिलेश जी आएंगे पक्का? पक्का आएंगे जी। क्यों पसंद है? वही महंगाई पे सबसे चीज पे कुछ लगा रखा था उन्होंने, व्यापारी वर्ग इतना परेशान है जिसकी कोई इम्दाद नहीं, GST ये वो सब कुछ घुसा दिया व्यापारी के अंदर। सरकार जो कहती है गुंडाई खत्म हो गई है, कितनी सच्चाई है इस बात में? कितनी भी सच्चाई नहीं है, गुंडाई बताओ कहाँ खत्म हो गई, कौन से काम रुक गए, बलात्कार होने रुक गए, लूट मार रुक गई, चोरी चकारी रुक गई, बताओ क्या रुक गया? सरकार कुछ वैसा का वैसा ही है, सब कुछ यूं का यूं ही है। अभी भाई साहब अभी कुछ दिन पहले सामने दुकान है हमारे, वो बेचारे ताला लगाने लग रहे थे, अपना बैग नीचे रख रखा था और इतने में दो आदमी आए और बैग लेके साफ, और उसके बाद में उनका कहना ये था, अभी चले गए वो बेचारे, अभी मैं करवाता नहीं तो। तो उनका कहना ये था कि जी मेरा जो कैश का गल्ला था वो करीब 70-75 हज़ार रुपये का गल्ला था, और उसमें पता चला कि पुलिस वालों ने उनको केवल 25,000 रुपये उपलब्ध करवाए चोरों को पकड़वा के। ऐसी सरकार है ये, कितनी बढ़िया सरकार है कि जो ये कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म कर दिया हमने, लेकिन ये भ्रष्टाचारी खुद ही है। हाँ जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत जैन है। मैं प्रदेश के व्यापार की ओर से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस टाइम प्रदेश के अंदर व्यापारी बहुत नाराज है और उस पर भरपूर रूप से अत्याचार किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर मंडी शुल्क की बहुत बड़ी समस्या है, कभी मंडी शुल्क हटाते हैं कभी लगाते हैं। अगर नई आने वाली सरकार हमारा मंडी शुल्क हटा दे तो पूरा व्यापारी वर्ग हमारी सरकार के, हमारी नई सरकार के साथ हमेशा साथ रहेगा। आज से पूर्व में नेताजी मुलायम सिंह ने अपने कार्यकाल के अंदर जब वे मुख्यमंत्री थे
उन्होंने एसएमआई डिपार्टमेंट को हमेशा के लिए निरस्त कर दिया था। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, 2022 में चुनाव है, कैसा माहौल लग रहा है? माहौल मैं बता रहा हूँ ना, पहले मोदी जी मुझे जवाब देना। बोलो बोलो बोल। और मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि ये बताएं मोदी जी कि जो पेट्रोल के दाम, ये कहते हैं कि पेट्रोल के दाम हम इसलिए नहीं घटा सकते क्योंकि एनडीए की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार ने ये इतना देश के ऊपर कर्जा कर दिया, इतना कर्जा कर दिया कि हम उसे कर्जे को उतार रहे। लेकिन मैं यो कहता हूँ, ये जो फ्री सेल में, जो फ्री सेल में गेहूं चावल रिफाइंड और जो ये आइटम्स बांटी जा रही हैं, तो ये कौन से मंत्री की जेब से जा रहे हैं? या प्रधानमंत्री अपनी सैलरी छोड़ रहे हैं, या सारा मंडल अपनी सैलरी छोड़ रहा है? ये देश के ऊपर भार हो रहा है या क्या हो रहा है, ये बताया जावे। क्यों नहीं बताते हैं लोग? इतने इन्होंने इतनी लंबी लंबी दाढ़ी तो रख ली, सूपी तो बन गए हैं, लेकिन सूपी वाली बात तो कर ही नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे बताएं? 4.5 साल हुए हैं सरकार को, कितनी सफल रही है? बिल्कुल फेल है। फेल है, नोटबंदी फेल थी, 3 तलाक फेल है, और जितने इन्होंने कानून बनाए हैं सारे फेल हैं। सब पे जो है पानी फिर गया, सब जनता सताई गई, कुछ नहीं बाकी छोड़ा इन्होंने। व्यापारी पर बहुत ज्यादा नाराज है। वे उनके विधायक जी के क्या हालचाल है आपके? विधायक तो मट्टी का वादो है। मट्टी का वादो मतलब? तो कपिल देव तो जे उन्होंने नगर पालिका नहीं बख्शी डाली 4.5 साल से। मुजफ्फरनगर की नगर पालिका कहाँ बख्श दी उन्होंने? खोखल करके छोड़ दी। तो ऐसा मुजफ्फरनगर को कहाँ छोड़ देंगे? वो तो अब जब इन्होंने अब जब दीवारें लिपवानी शुरू करी, दीवारों पे जो है अपना वो इलेक्शन आ गया ना, तो लिखवा दो जी। मेरे यहाँ भी लिखवाए थे, मैंने हटवा दिए। मैंने उसी उन व्यक्तियों को कहा, भाई किससे पूछ के लिख रहे तुम यहाँ? आपने कोई यहाँ से किसी से पूछा कि हम लिखें या ना लिखें? बोले जी हमें तो उन्होंने विधायक जी ने कहा। भाई क्यों कहा भाई? विधायक जी के घर का माल है क्या यो जहाँ लिख रहे तुम? मिटो इसे, और उसका भी एक दफा पोज ले लो। मिटवा दिया ना मैंने? मिटवा दिया बिल्कुल, पोज लो। दीवार परेशान है सरकार से बहुत बहुत ज्यादा। तो क्या लग रहा है, कौन सरकार सही रह पाएगी? सरकार तो कांग्रेस की बढ़िया रहेगी। कांग्रेस की? हाँ, केंद्र में। और उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो मुलायम सिंह जी की सरकार, ये यानी हमारे उसकी सही समाजवादी पार्टी बढ़िया है, व्यापारियों के हक में सही है, बढ़िया है। विधायक भी समाजवादी पार्टी का ही? वो तो रहेगा ही, विधायक तो जो है यहाँ तो रहना ही चाहिए समाजवादी पार्टी का ही। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अक्षय जैन। अक्षय जी, 4.5 साल हो गए योगी जी को, कैसा रहा सब कुछ? कोई खास नहीं है, मजे नहीं आया कुछ नहीं। महंगाई बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में, कोई मजा नहीं है। किसी विधायक की, जितने विधायक बने किसी की कोई शकल 4.5 साल के अंदर कहीं नहीं दिखाई दी गई। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा तेजी है। रोजगार में भी? रोजगार ख़त्म है बिल्कुल, 0/2 है। तो तेजी किस चीज़ में है? तेजी हर चीज़ में है, आपके पेट्रोल में है, आपके सिलेंडर में है, जितने घर के हाउस टैक्स वाटर टैक्स सब चीज़ हैं, सबको 3 गुना 4 गुना 5 गुना करके भेज दिया गया। हर चीज़ में तेजी है। विधायक जी कैसे हैं? विधायक जी की 4.5 साल में तो कोई शकल नहीं दिखाई गई कहीं भी। इलेक्शन वोट मांगने आए थे, नहीं आए थे? वोट मांगने आए थे, वोट मांगने के बाद उनकी कहीं कोई शकल नहीं दिखाई दी गई, पूरी लोहा मंडी के अंदर कहीं नहीं आए वो। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या होगा? इस बार चेंज होगा, व्यापारी चेंज चाहता है। क्या चेंज चाहता है, किसको चाहता है चेंज? अखिलेश जी की सरकार। और विधायक? विधायक भी अपने सपा का होगा। ये जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आपका? साहिर। साहिर, हाँ। 5 बज गए हैं, कितनी कमाई हुई सुबह से अब तक? कमाई कहाँ हुई, हम तो ठाली पड़े सुबह से, 0/0 बिल्कुल काम है ही नहीं। काम नहीं है बिल्कुल? हाँ, काम नहीं है बिल्कुल भी। हर महंगाई इतनी हो रही, सिलेंडर 1000 रुपये जा लिया, और तेल हो रहा 100 रुपये लीटर सब पर हो रहा। परेशान हो गए? परेशान है बिल्कुल ज़्यादा। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? आपका साइकिल ही आवेगी अब की बार। साइकिल को मौका दोगे? हाँ, मौका देंगे साइकिल को ही। साइकिल सर ना, विधायक जी को जानते हैं? नहीं जानते। हाँ, विधायक जी जाने। क्या नाम है? गौरव स्वरूप। गौरव स्वरूप, विधायक जी कपिल देव अग्रवाल है। हाँ, जाने। हाँ, आते हैं? कभी नहीं आते? नहीं बिल्कुल भी नहीं आए। काम कराए? सकल बिल्कुल भी नहीं करा काम, जितना अखिलेश की सरकार में काम हुआ ना।
किसी की सरकार में नहीं जितना विकास हुआ, जितना अखिलेश की हुआ विकास। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।